हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यमुनानगर में किसानों पर बोलते हुए कहा, किसानों को डरा धमका कर नहीं, उन्हें प्यार से खुश रखा जा सकता है। साथ ही वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि मेरी भक्ति और तपस्या में कमी रह गई, जो किसानों के एक सेक्शन को समझा नहीं सका, जिसके लिए तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा सभी राजनीतिक दलों को सुझाव है कि किसानों को समझाना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए, क्योंकि 100 में से 60 वोट उन्हीं के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान मैं बार बार कहता रहा किसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बीजेपी उसका लाभ नहीं ले पाई। कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मेरी भक्ति में कहीं, मेरी तपस्या में कहीं कमी रही है, और मैं किसान वर्ग के एक सेक्शन को, ये नोट करने वाली बात है, वो ये नहीं कहते सारे किसान को मेरी बात समझ नहीं आई, एक सेक्शन को शायद मेरी बात समझ आई, इसलिए मैं वापस लेता हूँ अपना जो भी 3 लेजिस्लेशन आए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें संशोधन की जरूरत है, व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। जिस समय एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया था उस समय कई कारण थे, लेकिन अब इसमें संशोधन की जरूरत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 75 में से 55 साल राज किया, वह सत्ता में खो जाती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किरण चौधरी अलग बोलती हैं, कुमारी शैलजा अलग बोलती हैं, रणदीप सुरजेवाला अलग बोलते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वाणी अलग है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने कहा कि इसका कांग्रेस को लाभ मिलेगा, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन आज कांग्रेस की लीडरशिप में कमी है। कांग्रेस रूलिंग पार्टी रही है 75 साल में 55 साल कांग्रेस का राज रहा, तो उसमें जो लीडरशिप जो होती है वो इतने, मतलब सत्ता में इतने खो जाते हैं कि फिर उनमें लड़ाई होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में आज हरियाणा में क्या है, आज किरण चौधरी अलग भाषा बोलेगी, शैलजा अलग बोलेगी, कैप्टन अजय अलग बोलेगा, रणदीप सुरजेवाला अलग बोलेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग बोलेगा, ये 5-6 जो लोग हैं ये क्यों अलग बोलते हैं। बहरहाल हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों पर बोलते हुए कहा कि किसानों को डरा धमका कर नहीं, उन्हें प्यार से मनाया जा सकता है, खुश रखा जा सकता है, तो साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर वार भी किया। यमुनानगर से राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़।